आज हम आए हैं शास्त्री नगर BCM आर्य मॉडल स्कूल में, जहां 9th इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं प्रिंसिपल मैम से और उनसे पूछते हैं कि ये यूथ फेस्टिवल कितने टाइम से ये इसकी प्रिपरेशंस उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। हेलो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, जो यूथ फेस्टिवल है ये आई थिंक ये 9 ईयर से कंटिन्यू आप करवाते आ रहे हैं, तो क्या इसी स्कूल में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? हाँ जी, ये हमारे स्कूल का ही फेस्टिवल है और ये 9th है। वी डोंट हैव इट एवरी ईयर, कभी ऑल्टरनेट ईयर्स में करते हैं ये। और हमें स्कूल्स की कॉल्स आती रहती हैं कि इस साल क्यों नहीं कर रहे आप, इस साल क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वी हैव इट एवरी ऑल्टरनेट ईयर। और इस प्रोग्राम में, इस फेस्टिवल में वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया से ही टीम्स नहीं आती, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स भी आती हैं। नेपाल से, इस बार पाकिस्तान को किसी वजह से वीज़ा नहीं मिला, नहीं तो पाकिस्तान से भी आते हैं, या मस्कट, बहरेन, तो ये सारी कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट करने आते हैं बच्चे। तो मैम, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्राउड अपॉर्चुनिटी फॉर BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मैम, कितने एफर्ट्स जो ये स्टूडेंट्स को प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं, तो ये स्कूल टीचर्स ही करवाते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं? एक्चुअली इसमें जो स्कूल्स बाहर से आते हैं, दिस टाइम देर आर 32 स्कूल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग। और 32 स्कूल्स में वी हैव अ डेलीगेशन ऑफ अबाउट 12 पीपल। तो ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हम होस्ट करते हैं 3 दिन के लिए। इनका रहना, खाना पीना सब हम इंतज़ाम करते हैं और पूरा दिन इनकी एक्टिविटीज़ चलती हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो और ये बड़े ज़ोरों शोरों से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम भी तैयारियों में लग जाते हैं 1-2 महीना पहले कि हमारे पास टीम्स आनी है और हमने इनको होस्ट करना है। मैम, टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, वो कितना अंडरस्टैंडिंग है इस इवेंट के लिए, इस यूथ फेस्टिवल के लिए, कितना सपोर्टिव है वो? दे ऑल वेरी सपोर्टिव। और जो बाहर से बच्चे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एंड विनिंग, बहुत कुछ सीखते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग आती है। दे यू नो गेट अ फीलिंग दैट वी नीड टू केयर शेयर। इस बार हमने अपने फ्यूजन का जो थीम रखा था, नर्चर नेचर रखा था, तो इसमें हमने उनको ग्रीन मैसेज भी दिया दैट वी हैव टू प्रिजर्व आवर मदर अर्थ। तो हर एक इवेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हमने ये पेश किया और सबको एक प्लेज भी हमने दिलवाई कि दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कैप्टन मिस्टर सयाल से, जो BCM स्कूल के सेक्रेटरी भी हैं। तो आइए पूछते हैं कि उनके व्यूज इस यूथ फेस्टिवल के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। थैंक यू। आई एम वेरी मच फाइन सर, थैंक यू। सर, आप प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए, ये जो इतना ग्रैंड इवेंट एक हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है BCM स्कूल में, स्पेशली BCM स्कूल में, तो ये एक आपके लिए तो आई थिंक ये बहुत प्राउड मोमेंट है, पूरे लुधियाना के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, तो इसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। इसके बारे में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ के लिए एक्सेल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वी आर नाउ इनटू 41st ईयर ऑफ आर एग्जिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लास्ट ईयर हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, आपको ध्यान है कि हमने एंटर किया था। और जब आप इतना अच्छा करते हैं तो आपका जो टीम है, मेरी टीचर्स की, आई हैव एन एक्सेलेंट टीम ऑफ टीचर्स एंड लवली स्टूडेंट्स, वेरी हार्ड वर्किंग। और जैसा आप कह रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर लुधियाना, नॉट ओनली फॉर माई स्कूल। आई थिंक आई विल अग्री विद यू 100%। और ये जो मेरे बच्चे हैं, एंड इफ़ यू लुक एट माई एलुमनी कहाँ कहाँ पहुँच गए, इट गिव्स यू इमेंस अमाउंट ऑफ प्लेजर। और ये जो आज का प्रोग्राम है हमारा, जैसा कि आपको प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इट इज़ नो काइंड ऑफ गिविंग अ बेस्ट टाइम टू द विजिटिंग स्टूडेंट्स, हम उनके लिए इसलिए कर रहे हैं कि वो एक हमारे बच्चों को दिया, गिविंग द लॉट ऑफ एक्सपोजर, अलग अलग स्टेट्स का जो कल्चर है। आई रिमेंबर आई बिन द इंडियन आर्मी, आई बिन अटेंडिंग NCC कैंप्स, आई बिन अटेंडिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग यूनिट कैंप्स ऑलमोस्ट फ्रॉम माई स्कूल डेज टिल द कॉलेज Until I became an officer। और जो आप बाहर वाले बच्चों से सीखते हैं, आई थिंक दैट्स ह्यूज। और वो बच्चों को मौका मिलता है टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ अदर स्टेट्स, बिकॉज आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे जो हमारे रह, जब उनका एक्सपोजर नहीं होता तो एक वो अपने कंपार्टमेंट के अंदर ही रह जाते हैं। तो वी टेकिंग दैम आउटसाइड द कंपार्टमेंट, एक एक्सपोजर है उनका। और बच्चे हमारे, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, एंड सो इज़ माई टीम।
फैशन शो अटेंड करने आए हैं जो एक बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ अरेंज किया गया है BCM स्कूल में, तो हम नोटिस करते हैं जो आजकल के यूथ है, आजकल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा फैशन लवर्स हो गए हैं, बट बींग एज अ पंजाबी, वी आर पंजाबी, तो थोड़ा सा हम नोटिस करते हैं कि पंजाबी कल्चर से आज का यूथ थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ऐसा नहीं समझती, मुझे लगता है कि अगर बच्चे कल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फैशन शो करना चाहिए, तो फैशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पंजाबी कल्चर, सो वेरी मच. अगर हम सोचें गिद्धा भंगड़ा इज़ नॉट ओनली पंजाबी पार्ट नहीं है, तो गिद्धा भंगड़ा भी है, और अगर बच्चे पंजाबी ड्रेस पहन के या इंडियन ड्रेस पहन के या मॉडर्न ड्रेस पहन के वेस्टर्न ड्रेस पहन के कुछ फैशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो हटके कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं. पंजाबी कल्चर तो उनको आती है, सो अगर ये एक्स्ट्रा सीख रहे हैं मैं इनको अच्छा मानती हूँ. लेट्स सी, देखते हैं ये फैशन शो आज का कैसे जाता है, हम सब एंजॉय करेंगे. कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.